सहमति का रूप बन गई है। ऐसे समय में उसकी हत्या अनुचित नहीं है। अब जैसे ही बहन सुना तो बोला, ये तो मेरी बहन नहीं, ये तो मेरी मौत है, मैं तो अपनी मौत को मार रहा हूँ। तो फिर वासुदेव जी बोले, महाराज मनुष्य का जन्म जब होता है उसी समय मृत्यु भी जन्म ले लेती है, चाहे आज हो चाहे 100 वर्ष पश्चात मृत्यु तो निश्चित है। तो फिर कंस बोला, कहाँ 100 वर्ष पश्चात होगी, वह तो अभी होने वाली है। वासुदेव जी बोले, देखो मृत्यु से जीव का नाश नहीं होता, वह जीव को बनाना होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने पलंग पर सोकर स्वप्न को देखता है तो उसका शरीर तो पलंग पर ही पड़ा रहता है, लेकिन स्वप्न में नया शरीर मिल जाता है। उसी प्रकार वासनाओं के पश्चात यह शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर मिल जाता है। शरीर इसलिए इस शरीर के लिए इतना बड़ा पाप मत करो। कहता है कंस कि हमें तुम्हारा ज्ञान ध्यान नहीं सुनना, हमें तो मारना है। अब वासुदेव ये बंदे सोचते हैं कि किसी तरह बुद्धिमाता पूर्वज इसकी मृत्यु को टालना चाहिए। सोचते हैं कि अभी तो इसको बचने दे देता हूँ, हो सकता है कि इसके पुत्र ही न हो या मेरे पुत्रों के होने तक कहीं यही मर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पुत्र ही इसको मार डाले। तो वो वासुदेव जी कहते हैं, एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से डर है या इसके होने वाले पुत्रों से। तो कंस बोला, देवकी से तो हमें डर नहीं है, इसके होने वाले पुत्रों से डर है। तो वासुदेव जी बोले कि हम तुम्हें वचन देते हैं कि इसके जो भी पुत्र होंगे हम तुम्हें सौंप देंगे। तब कंस बोला, जी ठीक है, तब इसलिए जाओ। अब वासुदेव जी ले आते हैं किसी तरह देवकी को जान बचाकर। कुछ समय बीतता है, कीर्तिमान नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। अब वासुदेव जी बालक को गोद में लेते हैं और बिना किसी प्रकार के मोह माया किए उस बालक को लेकर सीधे कंस के पास आते हैं। अब कंस के पास आते हैं, अब कंस देखता है तो बड़े प्रसन्न होता है। अब वासुदेव जी बोले, महाराज ये देवी के प्रथम पुत्र है, लीजिए। कंस ने मुख को देखा और कहा, इसी तो हमें भय नहीं है, हमको तो आठवें गर्भ से भय है, इसी लिए जाओ। अब वासुदेव जी लेकर लौट रहे कि बिना बजाते हुए हरि को गाते हुए नारद जी वहाँ पधारे। अब नारद जी आते हैं तो कंस से पूछते हैं, क्या बात है महाराज, आप इतने खुश क्यों हो। तब कंस बोला, मैं सोच रहा हूँ कि आज के समय में यदि कोई सजग पुरुष है तो ये वासुदेव जी है, अपने वचन के पक्के हैं। उन्होंने हमें वचन दिया था कि देवी का जो भी पुत्र होगा हम आपको सौंप देंगे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार बालक लाकर हमें सौंप दिया। तो फिर नारद जी पूछते हैं कि आपने क्या किया। तो फिर कंस बोला, हमको उसके भय थोड़े ना, हमको तो अठवें गर्भ से भय है, हमने छोड़ दिया। तो नारद जी के हाथ में एक कमल का पुष्प था, उसमें 8 पंखुड़ियां थी। अब नारद जी बोले कि इसमें 8वां कौन है, कहां से गिनोगे, क्या तुम्हें पता है। अगर कहीं से गिनोगे तो कोई भी 8वां हो सकता है। और जब कंस ये बात सुनता है
तब तो द्वारपाल को भूखता है और वासुदेव जी को बुलवाता है। वासुदेव जी आते हैं, उसके हाथ से बालों को छीनता है और ऐसे पटक कर मारता है जैसे कोई पत्थर पर कपड़ा पटकता है। उसके पश्चात देवी वासुदेव को प्रगृह में डाल देता है। जितने भी यदुवंशी थे सबको प्रगृह में डाल देता है। राजा उग्रसेन ने आपत्ति की तो उनको भी प्रगृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा, मथुरा पर राज करने लगा। उसने अपना मंत्रिमंडल तैयार किया, जरासन, बनासुर, आगासुर, नरकासुर आदि से मित्रता स्थापित किया। अब कुछ यदुवंशियों को कष्ट देना देने लगा, बहुत से बेचारी यदुवंशी भाग गए। अब तथा कुछ उसके हाँ में हाँ मिलाकर रहने लगे। अब कुछ समय पश्चात देवकी को ऐसे ही पुत्र होते गए। देवकी के उसने 6 पुत्रों को मार दिया। अब 17 पुत्र देवकी के गर्भ में आया। भगवान के धाम को अनंत कहते हैं। भगवान का आसन, भगवान का सिंहासन शेष नाग जी है। वे उसी तरह अवतार लेकर पहले आ रहे हैं जैसे किसी महापुरुष के आने के पहले उनका सिंहासन आ जाता है। वासुदेव जी सबसे पहले भगवान जैसे ही देखते हैं कि अब 17 गर्भ आते हैं देवकी के उदर में, तो अब देवकी के हृदय में हर्ष और सुख दोनों होता है। हर्ष इस बात का था कि अब अपना पुत्र आने वाला है और सुख इस बात का था कि 6 पुत्र तो मारे गए, उसी तरह यह भी मारा जाएगा। अब भगवान अपने भक्त के दुख को पहले से ही अनुमान करते हैं और अपनी इस माया को बुलाते हैं और कहते हैं, ये भद्रे तुम भोग गोपी से अलंकृत ब्रज में जाओ, वहां नंद जी के घर में वासुदेव जी की एक भार्या रोहिणी है। देवी के गर्भ से उसके 7वें उदर को निकालकर और रोहिणी के उदर में डाल दो और तुम स्वयं नंद की पत्नी यशोदा से अवतार धारण करो। तुम समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होगी। दुर्गा, नारायणी, अंबिका ये तुम्हारे नाम होंगे। अब माया आती है और बलराम जी को स्थानांतरित कर देती है। इसके पश्चात और 8वें गर्भ का अवसर आया। देखिए समान पुरुषों की तरह भगवान का गर्भधान नहीं होता। भगवान के जन्म एवं कर्म दिव्य होते हैं। अब 8वें गर्भ का अवसर आया। समान पुरुषों की तरह भगवान का गर्भधान नहीं होता। भगवान के जन्म एवं कर्म दिव्य होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जो मेरी जीव जन्म एवं कर्मों को जानता है उस शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त होता है। अब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी के मन में आते हैं। जब भगवान वासुदेव जी के मन में आते हैं तो पुरुष दीर्घ धारण करने के कारण वासुदेव जी का मुख मंडल दंश दृष्टि हो जाता है। उनके मुख के तेज सूर्य समान हो जाता है। अब जगत का मंडल करने आए भगवान का अंश जो वासुदेव जी के मन में आया था, उस अंश को देवी ने अपने मन में धारण किया। वासुदेव जी के मन से भगवान देवकी के मन में आए अर्थात दीक्षा कार्य से भगवान वासुदेव जी के मन से देवकी के मन में आए।
चार प्रकार की दीक्षाएं हमारे शास्त्रों में बताई गई है। मंत्र की दीक्षा, जब गुरु शिष्य को मंत्र के द्वारा उपदेश देकर दीक्षा देते हैं, उसे मांत्रिक की दीक्षा कहते हैं। दूसरा है स्पर्श दीक्षा, जब गुरु अपना कर कमल शिष्य के मस्तक पर रखकर उसका कल्याण करते हैं, उसे स्पर्श दीक्षा कहते हैं। तीसरा है कटाक्षी दीक्षा, जब गुरु करुणामय आंखों से शिष्य की ओर देखकर उसका कल्याण करते हैं, उसे कटाक्षी दीक्षा कहते हैं। और चौथा है मानसी दीक्षा, जब शक्तिमान गुरु मन से ही शिष्य का कल्याण करते हैं, उसे मानसी दीक्षा कहते हैं। अब भगवान देवकी के मन में आते हैं तो देवकी का भी तेज बढ़ने लगता है। कंस का अंधेरे से भरा भरा गृह जगमगा उठाता है। कंस स्वयं देवकी की खबर लेने आता था, जब उसने देखा तो कहा कि आ गया हरि, और कंस को क्रोध आया। उसने देवकी को मारने के लिए खड़ग उठाया, फिर सोचता है कि नहीं, अगर इसको अभी मारता हूँ तो जैसे नरसिंह भगवान खंभा फाड़कर प्रगट हो गए थे, वैसे ही यदि देवी का पेट फाड़कर प्रगट हो गया तब तो हमको मार ही डालेगा। लोग भी कहेंगे कि देखो अपनी बहन को मारने जा रहा था, स्वयं मारा गया। लोग हमें और भी गालियां देंगे। फिर सोचता है कि इसको जन्म ले लेने दो, जन्म लेने के साथ ही इसको मार डालेंगे। अब पहरेदारों को सावधान करता है, बोला देखो बहुत सावधानी पूर्वक पहरा दो, और जैसे ही देवकी का प्रसव हो, चाहे दिन हो या रात हो, सीधे मेरे पास आकर सूचना देना। और वहां से चला गया। अब उसको खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण होता रहा। सोचता कि अब मरा, अब मरा, बस हमेशा यही सोचता रहता। अब भगवान देवकी के मन में आए, तब जितने भी देवता थे कंस के कारागृह में आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। सोचते हैं कि कहीं भगवान जन्म लेकर भूल ना जाए। कहते हैं कि महाराज शक्ति व्रतम, आपका संकल्प सत होता है, परम सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है। तीनों काल में आप सत्य हैं, फिर सत्यम। सत्य माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। योनि माने कारण होता है, ये आपसे ही उत्पन्न होते हैं। सत्य आचरण में ही आप निवास करते हैं। जो संसार की सत्यता है वो संसार नहीं है।